और बहुत बच्चों का कहना था सर हमें कैसे पता चले कि कहाँ पे क्या है नहीं है। तो मैं डिपार्टमेंट एक चीज आपको बता दूं कि जितने भी हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो सिलेबस से रिलेटेड है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इनको फ्रेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। आप जैसे ही गूगल पे सर्च मारेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो एक ये आएगा, उसके नीचे आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं वीडियो के लिंक में मतलब जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप देख पाएंगे। आप इसको ओपन करेंगे, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, चाहे बीबीए का बच्चा हो चाहे बीबीएस का बच्चा हो उसके लिए। आप यहाँ पे नीचे डाउन करेंगे, आप नीचे जाएंगे और यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे। यहाँ पे सारे सर्कुलर और नोटिफिकेशन पहले से आ जाते हैं। अब सर यहाँ पे एनईपी का बेस्ड है या किसका है, यूजीसीएफ ये दोनों जो है वो एनईपी बेस्ड है। तो चलो मैं बीकॉम ऑनर्स का एक बार दिखा दूं, ये बीकॉम ऑनर्स का है, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। और मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं पीडीएफ, ठीक है। आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आया, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, टोटल 400 पेज का है। मैं सीधा सिलेबस पे आ जाता हूँ, आई थिंक 63 नंबर पे है, हाँ 63 नहीं उससे पहले ही है। ये देखिए सेमेस्टर वन में इसके अंदर ना कोर सब्जेक्ट बताया जाता है कि बेसिकली आपके कोर सब्जेक्ट क्या होंगे। तो सेमेस्टर वन वाले बच्चों को यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, और डिसिप्लिन ही कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा। इससे भी पहले हमारा आई थिंक से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, ये सिलेबस मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है, मैं सिर्फ अभी फिलहाल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए सेमेस्टर वन के अंदर बीकॉम ऑनर्स का है, एक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल अकाउंट मिलेगा, कोर सब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिएगा ये कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट में तो आपको पता ही कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा नहीं होगा। कोर सब्जेक्ट में एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन होगा, बिजनेस लॉ होगा, एक एफए होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट होगा। ये आपका ना पूरा का पूरा कोर सब्जेक्ट होने वाला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ना आप अभी स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा, लेकिन तीन तो पता चल गए, आप पढ़ना तो चालू कर ही सकते हैं। ये बिजनेस स्टडी है, ये बिजनेस लॉ है। और सेमेस्टर वन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये है कि हम लॉ को ना थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री में देना चाह रहे हैं इस बार। ऐसे आ जाइए आप सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू में आप देख लीजिए आपने पढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंट था, कंपनी लॉ था, एचआरएम था, कोर। मैं अदर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोर की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अदर कॉलेज पे डिपेंड करता है। ये आपका सेमेस्टर थ्री है, सेमेस्टर थ्री में आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ऑनर्स वाले बच्चों के ये तीन सब्जेक्ट है कोर में, आप ये समझ सकते हैं। तो इसकी तो पढ़ाई आप चालू कर सकते हैं, चाहे बच्चा रेगुलर का हो, एसओएल का हो, एनसीपीएफ का हो। चलिए आइए सर, अब ऑनर्स के बाद आप प्रोग्राम का भी देख लीजिए, ये बीकॉम लिखा हुआ है ना जिसके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसमें भी देख लेते हैं, 45 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एनईपी में जो है सेमेस्टर वन के सिलेबस आ गए हैं आपके। सेमेस्टर वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो कि है आपका बॉम जिसे बोल देते हैं, बिजनेस स्टडी बोल देते हैं, और बिजनेस लॉ और एफए, तीन कोर सब्जेक्ट है। सेमेस्टर टू में तो अभी देखने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़ के आए हो, देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और एचआरएम। सेमेस्टर थ्री में देखिए आपके पास ना बिजनेस स्टैटिक्स आ जाता है एक, और साथ के साथ फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, साथ के साथ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, यानी तीन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं बेसिकली सेमेस्टर तीन वाले बच्चों को बताना चाहूं तो बस फर्क इतना है कि उसके सब्जेक्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपके गिवन है उसमें सिर्फ मैथ्स और स्टैट्स का फर्क किया गया है। ऑनर्स में मैथ्स है और प्रोग्राम में आपका स्टैट्स है, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स कॉमन है हमारा, बाकी सब्जेक्ट तो आप भी जानते हैं। इनफैक्ट इस वाली शीट में डाल दूंगा आप ताकि दिक्कत ना हो, सेमेस्टर चार में आपके पास ये सब्जेक्ट्स होंगे, सेमेस्टर पांच में इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंट आ जाएगा, सेमेस्टर छह में आपके पास अलग, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके पास। तो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये पीडीएफ प्रॉपर तरीके से सिलेबस का डाल दूंगा। बाकी आप ऑथेंटिकेशन के लिए आप commerce.du.ac.in मैं लिंक डाल दूंगा, वो देखेंगे। अब सर इसके बाद यहाँ बीए बेस कॉमर्स है, बीए यानी बीबीए या फिर इन्होंने जो सब अलग अलग सिलेबस निकाला था बैचलर फाइनेंस के अंदर, उन सभी का सब्जेक्ट्स है सर। इसके बाद
अगर आप देखते हैं किसका सर, ये हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स का या फिर प्रोग्राम का, वो बच्चे जो कि हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं जिनके, पुराने बच्चों की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स का लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उनका सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप तो बहुत सिंपल सी बात अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका पहले एग्जाम हुआ था तो वो बता देंगे इजीली आपको, ठीक है। इसके अंदर आप 45 नंबर पेज ये देखिए, तो आप सब्जेक्ट्स इससे पहले आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, एनईपी में थोड़ा अच्छे से बताया था, इसमें आपको काफी ढूंढना पड़ेगा, बाकी आप ढूंढ सकते हो, बाकी मैंने सब्जेक्ट्स आपको बता दिया। देखिए 2.2 का मतलब सेमेस्टर 2 की बात चल रही है, कॉर्पोरेट अकाउंट जो आपने पढ़ा था कॉमर्स के अंदर, अभी आप सेमेस्टर 4 में है तो मैं 4 पे आ जाता हूँ, आ जाइए 4 पे। ये 3 चल रहा है हमारा, 3.3 का मतलब 3 चल रहा है, ये भी 3 है, क्योंकि ऑप्शन वाले सब सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। ये 4 आ गया, देखिए एक बिजनेस मैथमेटिक्स आ गया आपका 4 में, 4 ही चल रहा है, अभी 5 में देखना है ना हमें, तो आ जाओ भाई 5। ये देखिए 5 की बात करते हैं, ये बीकॉम ऑनर्स का है और मैं सारे सब्जेक्ट्स दिखा देता हूँ, 5.1 से आ जाते हैं। चलिए ये देखिए 5.1 आपका पहला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी हैं आपके पास, ठीक है। दूसरा आपके पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी कोर सब्जेक्ट है सर। इसके बाद आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसमें चॉइस है और यहाँ बच्चे ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंट लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा है हमारा ऑनर्स का। ऐसे ही आप देखना चाहते हो कि सर हमारा प्रोग्राम का भी हो, तो सबसे नीचे जाके लिंक पे आप क्लिक करके बीकॉम प्रोग्राम का देख सकते हो। तो ये एक ऑफिशियल है जहां पे सारी डिटेल गिवन है, कोर सब्जेक्ट कभी नहीं बदलने वाला। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट अभी, ये दोनों के तीनों के लिए है, SOL रेगुलर या फिर आपका NC वेब जो भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके लिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिले मत करिए, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप जाके ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं और स्टार्टिंग से तैयारी करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है प्रिपरेशन करने को, जिसकी वजह से एग्जाम खराब जाता है। हम हार्डली 10 से 12 दिन के अंदर या फिर 15-20 दिन के अंदर, मैं सच्चाई बताऊं तो नहीं होती तैयारी। मैं हालांकि बता देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए तो पास हो जाइएगा, लेकिन वो पास होना आपके लिए एक सरदर्द बन जाता है जब आपके कम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अलग अलग टाइम पे यहाँ पे आप चेक करते रहिए, और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपके जो है DU के जो कॉलेज में है, 16 तारीख से स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो आपको मिल ही जाना है सारा का सारा सिलेबस। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट।